जी तो हे फैम व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोच रहे होंगे कि आज ऐसे क्यों बैठा हूँ। सोचता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन सब चीजें अगर सोचने से हो जाती ना तो क्या ही बात थी। मैं थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ क्वालिटी पे। हाँ, मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास गोप्रो नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास फोन है आईफोन, जिसके साथ मैं अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ आईफोन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग ना थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ भाग रहा है। थोड़ा सा एस्थेटिक, थोड़ा सा सिनेमैटिक, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग, ताकि बंदा देखे तो उसको मजा तो आए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स को थोड़ा सा चेंज करूँ। वो सब इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते, उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मैं जब तक नहीं कर सकता जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं होंगे। और मुझे उम्मीद है ये मेरे प्यारे से लोग मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और सुबह के 6 बजे मैं इस तरह बैठ के कुछ शूट करना चाह रहा हूँ। सोया देखते हैं, शायद कोई अच्छा रिजल्ट निकल आए। इस व्लॉग में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोग को क्वालिटी दे पाऊँ। आई एम नॉट अ लैपटॉप पर्सन, मैं जस्ट फोन पे एडिटिंग करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मैं इस फोन से ही ना अपनी व्लॉगिंग को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। क्या कोशिश करेंगे? आप लोग जाएं इंट्रो देखें, हम मिलेंगे सुबह नाश्ते की टेबल पे। सो गाइस इस वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर दो। 6 बज रहे हैं, मैंने सोना भी है, सही है ना? सो गुड नाइट। और जब इतनी सुबह हो जाए तो रोशनी देखे बगैर कहाँ किसी को नींद आती है। ये सीढ़ियाँ ही नहीं, कामयाबी के कदम भी हो सकते हैं, जरा इस पे चल के तो देखो। और ये हैं कुछ पौधे जिनको मैं अक्सर अपना दोस्त कहा करता हूँ, और शायद इन्हीं के बीच में खिलखिला रहा हूँ मैं। इमेजिन करने में पैसे तो नहीं लगते, आप लोग कर सकते हो। अगर तोड़ने की कोशिश की तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, कितने लोग चाहने वाले खड़े। देख के कोई भी हाथ नहीं डालेगा ब्रो। तो डालते हैं नजर कुदरत के इस हसीन मंजर पे, ये हिलते हुए पौधे, ये चैं चैं करती चिड़िया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। डाल दिया करो सुबह दाना पानी यार, पता नहीं किसकी भूख मिटाने का जरिया हो तुम, चाहे फिर वो परिंदा या जानवर ही क्यों ना हो। कैसी तबीयत है आपकी, सुबह सुबह कहाँ घूम रही हो? इंसान करे तो चलता है, लेकिन आपको इग्नोर करके चलेगा। अरे ये तो घर में घुस गई। हे गंदे बच्चे, बाहर आओ। अच्छा, 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 अच्छा। ये है मिस्टर लियो, हमारे घर के लाडले, जिनसे सब बेपनाह प्यार करते हैं। और एक ये है जिनको सिर्फ घर से बाहर निकलने की पड़ी रहती है। वो कहते हैं ना, आपके चाहे हजारों दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन याद रखना आपके डॉग का सिर्फ एक ही दोस्त है, और वो हो आप खुद। एक्सक्यूज मी, आपका भाई एक एक टेक के मेहनत करेगा। 1 2 3 4 बट इट्स नॉट अ बिग डील, जब नींद नहीं आती तो ये तो होता है। सो बी रेडी फॉर इट। एक इंसान है जिसको ओवरथिंकिंग की बहुत गंदी आदत है, और वो कोई और नहीं, यहीं कहीं घूम रहा है। भी बोलेगा कि कुछ सोचा, लेकिन सुपरमैन समझने लगा है खुद को। इसको बताओ ये दुनिया है मेरी जान, यू हैव टू डील विद इट। फ्रिज ही खुलता है और अगर कुछ मिल जाए तो उसके साथ मजाक करने से पहले ये सोच लेना, अगर उसने किया ना तो तकलीफ बहुत होगी। तो फिर वो कोई ऐसी जगह ढूंढता है जहां सिर्फ उसको सुकून मिलता हो, कोई जज करने वाला ना हो, चाहे फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए शराबी की एक्टिंग ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन इस डर से तो महफूज है कि लोग क्या कहेंगे। होता है सबका एक फेवरेट टॉय, मेरे पास ये मिकी है, जिसके बगैर मुझे नींद नहीं आती, और इसके जरिए मैं खुद को ये एहसास दिलाता हूँ कि ओ कामचोर, उठ के लाइटें बंद करो। ऐसे गुड नाइट बोले बगैर सोना अच्छी बात नहीं होती। इन सब बातों का मतलब है कि हम सुबह मिलेंगे। मिकी से गुड नाइट। मिकी गुड नाइट बोलो। इंसान को इस मूड में भी जीना चाहिए, बड़ा मजा है। एक आप, एक बेजान चीज, उसमें भी आप अपनी जान डाल के उसकी आवाज में बातें करते हो। आई नो मेरी कॉमेडी का टेम्परेचर माइनस में जाता जा रहा है, इससे पहले ये और माइनस में जाए। शब्बा खैर। गुड मॉर्निंग टीचर। नींद बहुत कमिंग, टाइम इज वेरी शॉर्ट, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। मेरी जिंदगी की कोई आखिरी ख्वाहिश भी होगी ना तो वो यही होगी कि मुझे 5 मिनट सोने दो। सो जाओ। थैंक यू, आ रहा हूँ ना 5 मिनट। और जब आपकी एक छोटी सी बहन हो जो स्कूल से आते ही लैपटॉप पे ड्रामे मूवीज वगैरह देखने बैठ जाए, और वो आपको हर एक सीन का बताए कि तिजोरी खुल गई, फिर भी आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ना लो, तंग करो उससे, ये बोलो कि लैपटॉप मुझे वापस दो, तो यही सुनोगे ओवर नहीं हो, ये क्या हो गया,
ये सुनकर गुस्सा किसको नहीं आएगा। लैपटॉप छीनो और अपना वो काम स्टार्ट कर दो जो कभी भी आपने लैपटॉप पे किया ही ना हो। इसी के साथ ऐसे करोगे तो खुद के साथ भी वैसा ही होगा। आपका भाई पासवर्ड ही भूल गया यूट्यूब का। अब मैंने बोला कौन इतनी मेहनत करे, अपना काम हो गया और साथ साथ टाइम भी जाया हो रहा था, तो मैंने फटाफट से बंद कर दिया। और फिर जैसे ही 4 बजते हैं, आपका जो एक अदद भाई है ना, वो व्लॉग पोस्ट करता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैन, देखो फ्री है, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। आप लोग के लिए तो एक्स्ट्रा फ्री है। लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी। कौन? और जब फिर मासी आ जाए और आपको कहीं बैठने की भी जगह ना देना, तो दिल चाहता है कि मैं नहाने चला जाऊं। गेट खोलने गया तो ये बाहर था। बाहर घूम रहे हो, गलत बात होती है। कहाँ था? अबे भाई घूम रहा था यार, तुम लोगों होश ही नहीं है यार ब्रो। बेचारा अभी वो किसी को मार मार देता तो। थैंक यू बिलाल भाई, शाम में मिलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो तुम ना अब मुझसे पिटोगे लियो। चल के जरा मुंह वगैरह धो ले, ब्रश रश कर ले। असल दिन की शुरुआत तो नहाने के बाद ही होती है और नींद भी नहाने के बाद ही उड़ती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। नहाने के बाद नींद तो आती है, लेकिन भूख और नींद का कोई कंपटीशन है नहीं वैसे। और इस सख्त भूख में एक तरफ आपके पास बिरयानी और एक तरफ आपके पास कोल्ड ड्रिंक और इतनी गर्मी, व्हाई नॉट मेरी जान। तो नहीं, मैं 5 मिनट भी नहीं सोऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा बिरयानी खाने, फिर कपड़े चेंज करके क्रिकेट खेलेंगे। और दरवाजे से निकलते ही मेरी नजर बिरयानी पे पड़ गई। अब सजाओगे तो मेरा हाल तो यही होगा। इस तरह से घूमता हूँ मैं बिरयानी के इर्द गिर्द, मजाक कर रहा हूँ ये सब दिखाने के लिए। चुपचाप से पहले खाना खा लेते हैं, फिर चलते डायरेक्ट क्रिकेट खेलने। तो बस जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और फटाफट से क्रिकेट खेलने चलते हैं। लेट्स गो। कपड़े तो चेंज हो गए, लेकिन वेयर्स माय कैप? कैप कैप मिल गई कैप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप गली में क्रिकेट खेल लो तो आपको इस तरह की चीजें तो हटानी पड़ेंगी, और इन लोगों को भी। आपका भाई हमेशा चीटिंग करके पहला आ जाता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So there are many types of cricketers. कोई चुलबुला सा, कोई रूट सा। बॉलर से अगर वाइट बॉल हो जाए तो उसको इतना पंप कर देना कि ये तो वाइट है, ये यू कांट डू इट मैन। कुछ ऐसे जिनका मकसद ही लोगों को भगाना दौड़ाना, उल्टे सीधे शॉट मारना है। और कुछ माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो कहीं से भी कैसे भी कोई सा भी शॉट खेल लेते हैं, जैसे कि ये खेल रहा है। अपनी तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा तारीफ अगर हो जाती है ना तो पता है इन द एंड क्या होता है, ये होता है। बॉल करने का एक नया तरीका भी हमारे पास। चलो अब सीरियस गेम। मैन ऑफ द मैच जो है आज के वो है बिलाल खान। खेलने के बाद जब अजान की आवाज आए ना तो नमाज पढ़ने जरूर जाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक्स। चले, वो गाड़ी जरा खराब हो गई है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, गाड़ी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, ठीक होगी ना? हाँ हो जाएगी, करंट नहीं आ रहा। गाड़ी को करंट नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको करंट की जरूरत है। हमारे डॉक्टर ने हमारी गाड़ी की तबीयत बिल्कुल फिट कर दी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम भैया। भाई हाजिर है, हम हाजिर है आप? इट्स ओके, वेलकम। सो लेट्स गो टू होम। खाने में क्या है यार? क्या है? दाल बनी है। दाल? ओके। अच्छा नहीं लगता ये, मुझसे बदतमीजी कर रही है। आप लोग देख ले, फिर आप बोलते व्लॉग में नहीं लेते। खाने में ये क्या है? मोमो, झींगे। झींगे और पालक, दाल नहीं थी? दाल आप खाते कब? झींगे मैं कब खाता हूँ? बहुत शौक से खाते हैं। और तुम मेरी बची हुई बिरयानी खा रही हो? जी नहीं, ओवर नहीं हो। मेरे से बहुत बदतमीजी करने लगी है, हर बात पे ओवर नहीं हो। भाई ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो भी अपने गीले हाथों से मुंह पे। 2 टेस्ट हैं, पढ़ने बैठ जाओ। पहला किसने मारा है? नानू। नानू ने?
सो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि इस तरह के व्लॉग्स मैं रोज नहीं बना सकता क्योंकि मुझे एडिटिंग में 8 घंटे लगे हैं, मुझे अब धुंधला नजर आने लग गया, मेरा मोबाइल गर्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पंखा बंद करके एडिटिंग कर रहा था क्योंकि इसमें मैंने अपनी वॉइस भी डाली है ना। और अब मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करने आया हूँ। सो गाइस डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और वो बेल वाली घंटी जो होती है ना वो भी।